नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने लाख की चूड़ियां अध्याय का 11वें पैराग्राफ तक पढ़ा था। आज हम उसी को ही अध्याय को पूरा करेंगे अगले पैराग्राफ से। पैराग्राफ नंबर 12 है, आम की फसल अब कैसी है काका, लेखक ने पूछा। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदला, मतलब लेखक ने काका से, जब वो उदास हो गए थे चूड़ियों की बातें सुन करके, तो लेखक ने सोचा कि मैं कुछ विचार बदलूं या अपनी बात बदल करके काका से की बात से बात करूं। अच्छी है लैला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। यानी कुछ उदासी सा चेहरा था और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर, यानी मेरी तरफ देख करके, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल ही गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुम्हें। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखते थे। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दिए, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जोक उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम लेकर आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम भी खा लेता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लाल कैसे लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 अंजुली भरकर, अंजुली यानी थैली में भरकर आम बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिटक गई, यानी रुक गई। किसके? रज्जो के हाथों पर। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था, जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझ दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। लाख की चूड़ियाँ कौन, बदलू कौन था जो लाख की चूड़ियाँ बना रहा था, उसने कहा जब उसकी लेखक की नज़र उसकी बेटी रज्जो के हाथों पर पड़ी जिसने लाख की चूड़ियाँ पहन रखी थी। तो बदलू ने लेखक को उसकी चूड़ियाँ देखते हुए देख लिया और उसने क्या कहा कि यही थी वो चूड़ियाँ जो जमींदार की बेटी के विवाह के लिए बनाई थी, लेकिन उन्होंने इसकी सही रकम नहीं दी तो मैंने उन्हें नहीं दी और अपनी बेटी को पहना दी। जब आम लेकर के लेखक थोड़ी देर बाद में वहाँ से निकल गए। मुझे प्रसन्नता तो हुई, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा था कि आसानी से टूट जाए, कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि वो आसानी से टूट जाए। आखिरी तक, अंत तक उसने लाख की चूड़ियों का व्यवसाय अपना जारी रखा। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जो पुरानी परंपराएं हैं उन्हें, पुराने व्यवसाय या कलाकारी, उन्हें हमें जिंदा रखना चाहिए, उन्हें ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। हर नई चीज़ सुंदर होती है, वो भी उपयोगी होती है, लेकिन पुरानी वस्तुओं को, हमें पुराने व्यवसाय, अपनी कला, इनको व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए, इन्हें भी बचाए रखना चाहिए। अब इस चैप्टर में हम आगे प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न देखिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। देखिए, इसमें आंसर तो ज़रूर लिखा है, लेकिन आप अपने आंसर अपने मन से लिखें। जैसे बचपन में लेखक मामा के गांव चाव से बदलू काका से मिलने जाता था, और बदलू काका क्यों कहते थे, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उन्हें बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका ही कहते थे। आप इस प्रकार के 5 प्रश्न करेंगे और अगले वीडियो में मैं और प्रश्नोत्तर करवाऊँगी। धन्यवाद।